जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, जो बृहस्पति देवता अभी तक यानी 1 मई 2024 को दोपहर में 1:50 तक मेष राशि में विचरण कर रहे थे, वो बृहस्पति देवता अब 1 मई 2024 को 1:50 पर ही मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये उनका जो यहां पर इस राशि में जो आगमन होगा वो आगमन रहेगा 14 मई 2025 तक, वो वृषभ राशि में ही रहेंगे। हालांकि जिस समय वो अस्त होंगे उनकी राशि का फल बदलता है, उनका प्रभाव हम लोगों के ऊपर बदलता है, और इसी बीच में उन्होंने काफी लंबे समय के लिए वक्री भी होना है, तो उसके फल में आपको अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अस्त होने के फल, बृहस्पति देवता जिस समय अस्त होंगे, तारा डूबेगा, उस समय के फल में आपको अलग वीडियो के माध्यम से अवश्य जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो ये जो बृहस्पति देवता हैं, देवों के देव बृहस्पति देव, देवताओं के भी गुरु हैं, और हमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य धन धान्य पुत्र पौत्र प्रपौत्र प्रदान करते हैं हमारे जीवन में। शादी का योग भी तो यही बनाते हैं शुक्र देवता के साथ मिलके। इनके जब तक बृहस्पति देवता आपके और मेरे जीवन में फेरे कराने के लिए नहीं बैठेंगे, मेरी शादी होगी ही नहीं। समझ रहे हैं ना बात को, इनकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। बृहस्पति देवता का जो वाहन है वो हाथी की सवारी पर सवार होकर निकलते हैं, यानी बृहस्पति देवता जिसके घर में आ जाते हैं वो 2 पहिए से 4 पहिए में आ जाता है। और अगर पहले से ही 4 पहिए में हो, 4 पहिए की गाड़ी पर सवार होकर चलता हो, मान लीजिए मारुति में सवार होकर चलता है, तो वो मर्सिडीज में सवार होकर निकलने लगता है। तो बृहस्पति देवता का ये आगमन, वृषभ राशि में प्रवेश करना, किस प्रकार से मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले व्यक्तियों को, यानी एरीज जोडियाक साइन से लेकर पाइसेस जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इस सब की चर्चा करने के लिए मैं आज आप सभी के समक्ष शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में स्वामी राज ऋषि के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। और इससे पहले कि इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं, मैं उन सभी लोगों को जिनका आज जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या उनकी जिंदगी का कोई अन्य कोई महत्वपूर्ण दिन है, उन सभी व्यक्तियों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, भगवान शनिदेव की तरफ से जो इस शनि पीठ के पीठाधीश हैं, और स्वामी राज ऋषि की तरफ से, और अपना आशीर्वाद भी आपको प्रदान करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा गुरु होने के नाते कि शनि पीठ के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहां पर ऑलरेडी 23,20,000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जिस समय बृहस्पति देवता मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे थे या प्रवेश कर रहे हैं, उस समय आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या है उसकी विवेचना मैं आपके समक्ष करना चाहूंगा। सिंह राशि उदय हो रही है, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान है, चंद्र देवता मकर राशि में विराजमान है, शनि देवता कुंभ राशि में विराजमान है, मंगल और राहु अंगारक योग बनाते हुए बुध देवता के साथ मीन राशि में विराजमान है, शुक्र देवता और सूर्य देवता ये दोनों ही मेष राशि में विराजमान है, और बृहस्पति देवता तो आपको बता ही चुका हूं कि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार से ये ग्रह गोचर बृहस्पति ग्रह का हमें प्रभावित करेगा, तो सबसे पहले क्योंकि उस समय आसमान में सिंह राशि उदय हो रखी है, तो हम सिंह राशि वाले व्यक्तियों के साथ यानी लियो जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के साथ इसकी विवेचना प्रारंभ करते हैं। सिंह
सिंह राशि वालों, ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं या बृहस्पति ग्रह हैं, ये आपके जीवन में, आपकी नौकरी में और आपके व्यापार के घर में बैठे हुए हैं। समझ रहे बात को? और इस जगह के जो मालिक हैं शुक्र देवता, वो आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। और आपका अपना ग्रह भी शुक्र देवता के साथ भाग्य के भाव में बैठा हुआ है, उच्च का होके। तो निश्चित रूप से इस समय विशेष पर आपको नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, मनचाहा ट्रांसफर, व्यापार करते हैं तो व्यापार में तरक्की, उन्नति और व्यापार को बड़ा करने का अवसर। और अगर राजनीति में है तो एमपी, एमएलए, काउंसलर की टिकट या सरकार में मंत्री पद मिलने की संभावना बना देते हैं। ये जो ग्रहों का मेल है और ऊपर से ये सिंह राशि है, तो इस उन सब के लिए ये बहुत बेहतर स्थिति बनी हुई है। तो इस समय विशेष का जितना आप सदुपयोग कर लेंगे, आपके लिए मंगलकारी होगा, आपका मंगल ही होगा। तो इस समय का सदुपयोग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों को ऐसा कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा, उल्टा वो मुसीबतों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो ऐसा महसूस कर रहे हैं, भाई गुरुजी तो ये कह रहे हैं कि हमारा तरक्की, उन्नति, प्रमोशन होगा, मगर यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां तो हम डूबे जा रहे हैं, कर्जे के बोझ में, परेशानियों के झंझटों में फंसे चले जा रहे हैं। तो ये आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली के ग्रह हैं, जो आपको शुभ फल दे ही नहीं रहे हैं और आपको मिलने वाले शुभ फलों को खा जाते हैं, ये उसकी वजह से आपके जीवन में शुभता नहीं आ पा रही है। और ऐसी स्थिति में आपको अविलंब स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे या स्वामी राज ऋषि से वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर हमसे फेस टू फेस 1-to-1 डिस्कशन करें डिटेल में अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। और वो आसान वैदिक उपाय जो साल में सिर्फ एक बार करने होते हैं या 3 साल में एक बार करने होते हैं, उन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख, शांति, सौभाग्य की वर्षा धीमे धीमे करके प्राप्त होने लगेंगे, आपकी परेशानियां धीमे धीमे करके दूर होने लगेंगी। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राज ऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राज ऋषि के नाम से सेव कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपके, आपके परिवार के, आपके मित्रों के, आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सकें। व्यक्ति जो शादी के योग्य हो गए हैं, उनके माता पिता या उनके भाई बहन या वो स्वयं अपने लिए शादी का बायोडेटा बना रहे हैं, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए भगवान शनिदेव की तरफ से एक वेबसाइट शनिपीठ मंदिर द्वारा बनवाई गई है, जिसका नाम है www.marriagebiodata.app। आप सभी लोग इस वेबसाइट पर जाकर एक खूबसूरत सा बायोडेटा का डिजाइन चुन सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना बायोडेटा वहां पर बना सकते हैं। और उस खूबसूरत बायोडेटा को जहां पर आप अपनी क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन साथी से, आपका जीवन साथी कैसा हो, उस सब की डिटेल भी वहां पर भर सकते हैं कि मुझे नौकरी वाला जीवन साथी चाहिए, मुझे व्यापार वाला जीवन साथी चाहिए, मुझे मिलिट्री में काम करने वाला जीवन साथी चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। इस सारी डिटेल को वहां पर आप भर सकते हैं, अपनी पसंद को वहां पर भर सकते हैं और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से एक खूबसूरत सा जीवन साथी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा www.marriagebiodata.app। जय शनिदेव। बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी वर्गो जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वालों, आपके जीवन में जो देवगुरु बृहस्पति द्वारा जो राशि परिवर्तन होगा,
मेष राशि से निकल वृषभ राशि में वो निकल कर आएंगे, तो ये जगह जो बनती है वो आपका भाग्य का घर है। अब बृहस्पति देवता अगर आपके भाग्य में आकर बैठेंगे, हालांकि बृहस्पति देवता भाग्य के भाव में आएंगे लेकिन सूर्य और शुक्र अष्टम हो जाएंगे, किंतु बृहस्पति देवता का भाग्य के भाव में आना निश्चित रूप से आपके भाव में अभूतपूर्व वृद्धि प्रदान करता है, आपको हर प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है। ये अलग बात है कि शुक्र देवता के फल और सूर्य देवता के फल अष्टम हाउस में आपके लिए कतई शुभता प्रदान करने वाले नहीं है, आपको विपरीत सेक्स की ओर आकर्षित करने में, आपको कामुक बनाने में लेकर जाने वाले हैं। अब यह आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। हालांकि जीवन साथी के घर में भी कुछ लड़ाई झगड़े की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, थोड़ी तनातनी बढ़ेगी, मारपीट होने की भी संभावना हो सकती है क्योंकि वहां पर अंगारक योग का निर्माण होगा। तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, इन परिस्थितियों को संभालने की क्षमता मौजूद करिएगा। बृहस्पति देवता का आपके भाग्य में आना कतई अशुभ नहीं है, केवल और केवल ऐश्वर्य और शुभता प्रदान करने के लिए ही बृहस्पति ग्रह आपके भाग्य के भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर आपको शुभ फल देंगे ही देंगे। तो इस समय का भरपूर उपयोग करिएगा, मेरी बताई बातों को ध्यान रखिएगा, किसी भी अशुभ फल को टालने का प्रयास करिएगा ताकि उसकी अशुभता आपके ऊपर विपरीत प्रभाव न डाल सके। और आप में से वो सभी लोग जो ये महसूस कर रहे हैं कि गुरु जी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हमारे बारे में मगर हमारे जीवन में तो ऐसा कतई बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। आपकी जो जन्म कुंडली है उनके खराब ग्रहों की वजह से आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को मेरी सलाह है कि हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में हर शनिवार को जो जनता दरबार लगाया जाता है, जो शनिवार के दिन दो बार लगता है, सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये जनता दरबार लगाया जाता है, तो इस जनता दरबार में आप स्वयं चलकर आइए, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों को सेव करिए, अपना जनता दरबार का शनिवार का अपॉइंटमेंट चाहे पहले हाफ का या सेकंड हाफ का आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए और आकर हमसे मिलिए, मुझसे या स्वामी राजऋषि से मिलिए, अपनी परेशानियों को बताइए और उन परेशानियों के अनुसार वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो छोटे छोटे उपाय आपको बताए जाते हैं उन उपायों को श्रद्धा पूर्वक करिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य सबकी वर्षा प्रारंभ होने लगेगी। किंतु ध्यान रखिएगा, यहां आने से पहले यानी शनि पीठ मंदिर आने से पहले भगवान शनि देव को भोग लगाने के लिए 1.25 किलो मिठाई का प्रसाद अवश्य लेकर आइएगा, इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। अगर भगवान शनि देव प्रसन्न तो आप भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न, तो फिर देर किस बात की है। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राजऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राजऋषि के नाम से सेव कर लीजिए ताकि भविष्य में आपके आपके परिवार के आपके मित्रों के आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सकें। जय शनिदेव। आइए अब चर्चा करते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वालों यानी लिब्रा जोडियाक साइन वालों, ये जो ग्रहों की स्थिति बनी है जहां बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम स्थान से निकलकर अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे, तो बृहस्पति ग्रह का अष्टम स्थान में जाना आपके लिए कतई शुभता प्रदान करने वाला नहीं है। अब कोई शुभ ग्रह अशुभ ग्रह जगह पर जाके बैठ जाए तो उसके फल खराब हो जाते हैं अपने आप ही। तो जो बृहस्पति ग्रह अब अष्टम आके बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको
विपरीत सेक्स वाले व्यक्तियों के आकर्षण के जाल में फंसने का मौका मिलेगा। आप अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे, जो आपने अपना गोल बनाया हुआ था उस गोल से भी आप विपरीत भागने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि आपके लिए राहत की बात यह कि आपके जीवन साथी का घर में उच्च के सूर्यदेव विराजमान है और शुक्र देवता भी वहां विराजमान है, तो उनका वहां होना निश्चित रूप से आपको अपने जीवन साथी के साथ बांध के रखेगा। और हो सकता है संभावना बने कि आप कहीं शादी के बंधन में भी, शुक्र देवता की मदद लेकर आप शादी के बंधन में भी बंध जाएं। और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो उस समय की बात कर रहा हूं, और जो लोग शादीशुदा हैं तो उनके जिंदगी में अलग से जीवन साथी के साथ रोमांस के भरपूर अवसर मिलेंगे इस समय के दौरान। इस समय का सदुपयोग उठाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। शुक्र देवता की बात करिए मैंने ये, लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह का आपके लिए ये स्थान कतई उत्तम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर ये फल जो आपको विपरीत मिल रहे हैं, आप वैसे ही अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से, धन की कमी से, या अलग अलग विभिन्न प्रकार की परेशानियों से, चाहे वो कर्जे की समस्या हो, मुकदमेबाजी की समस्या हो, जेल इत्यादि की समस्या हो, कोर्ट कचहरी की समस्या हो, इन सब समस्याओं से परेशान है, संतान की वजह से परेशान है, घर की वजह से परेशान है, संतान ना होने से परेशान है, तो ऐसी सभी स्थिति में बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमारे यहां लगने वाले जो शुक्रवार का जो जनता दरबार है, उस जनता दरबार में स्वयं चलकर आइए, उसका अपॉइंटमेंट बुक कराइए। जो जनता दरबार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक केवल शुक्रवार के दिन यहां लगेगा, उस जनता दरबार में आकर आप अपनी विभिन्न प्रकार की परेशानियों को मुझसे चर्चा करके डिस्कशन कर सकते हैं। और आसान वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियां ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी अपनी शुक्रवार के जनता दरबार का समय बुक करिए और समय पर आकर हमसे मिलिए। किंतु ध्यान रहे, भगवान शनिदेव के प्रसाद के लिए यहां आने से पहले 1.25 किलो मिठाई का प्रसाद अवश्य लेकर आए। ऐसा करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होंगे और भगवान शनिदेव के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाने में भी आप समर्थ होंगे। और निश्चित रूप से उपाय तो हम आपकी परेशानियों के लिए आपको बताएंगे ही बताएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अपनी जो 6,000 रुपए की फीस है, उस 6,000 रुपए की फीस को छोड़कर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करूंगा। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राज ऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राज ऋषि के नाम से सेव कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपके, आपके परिवार के, आपके मित्रों के, आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सकें। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। अब वृश्चिक राशि वालों, जब मेष राशि से निकलकर बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये सप्तम भाव तो बहुत ही शुभता का भाव है। बृहस्पति देवता का यहां आना निश्चित रूप से जिन लोगों की शादी अभी तक नहीं हो रखी है, उन लोगों को शादी के अवसर प्रदान करेगा। योग्य जीवन साथी जो ऊपर से लिखवा के आप लाए थे ना भगवान के यहां से, वो जीवन साथी आपको यहां आकर प्राप्त होने की संभावना इस समय के दौरान बनती है, पूरी की पूरी बनती है। लंबा समय है, 1 साल से अधिक समय बृहस्पति देवता यहां पर विराजमान रहेंगे, वो भी शुक्र देवता का घर है, तो निश्चित रूप से आपके लिए योग तो बनेगा ही बनेगा शादी होने का। और साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी शादी शुदा है, तो उनके जीवन साथी की वजह से उनके घर में विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों का आगमन होगा। उनके जीवन में जो धन धान्य की कमी थी वो धीमे धीमे खत्म होगी और बृहस्पति देवता आएंगे तो धन धान्य और ऐश्वर्य तो प्रदान करेंगे ही करेंगे।
तो ये समय आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला समय है। इस शुभ समय का आप फायदा उठाएं और अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। किंतु जो लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, बृहस्पति देवता का आने से उनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा कहीं भी, उनको तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आपके जो पर्सनल जन्म कुंडली है वह उस जन्म कुंडली के ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो ग्रह आपके शुभ फलों को खा जाते हैं। अगर अब आपके शुभ फल ही खा लिए जाएंगे तो वो आप तक पहुंचेंगे कैसे? जो आप जन्म कुंडली में खराब ग्रह हैं वो खराब शुभ फलों को खा जाते हैं और अच्छे ग्रहों को भी फल देने नहीं देते, अपना तो खुद देते ही नहीं देते, अपनी तो केवल कष्ट प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको शुभता ऐश्वर्य धन धान्य की प्राप्ति होगी तो होगी कैसे? आपके जीवन साथी की वजह से आपके चौपहिया बनाने की संभावना बनती है, और अगर चौपहिया वाहन ऑलरेडी है आपको तो एक और अच्छा चौपहिया वाहन आ जाएगा, ऐश्वर्य आएगा, धन धान्य आएगा, बाकी सारी चीजें आएंगे ही आएंगे, और वो सब जीवन साथी के घर में होता हुआ नजर आ रहा है और आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे यानी गुरु रजनीश ऋषि से या स्वामी राज ऋषि से वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे या फिर शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर आप हमसे मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक कराने के पश्चात, और फेस टू फेस 1-to-1 डिटेल में अपनी सभी परेशानियों के बारे में हमसे चर्चा कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं, उपाय भी जान सकते हैं कि किस ग्रह की कौन सी पीड़ा की वजह से ये आपको परेशानियां हो रही हैं और कैसे इस कष्ट को दूर किया जाए। तो फिर देर किस बात की है? स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राज ऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राज ऋषि के नाम से सेव कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपके आपके परिवार के आपके मित्रों के आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सकें। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वालों, यहां पर स्थिति आपके लिए विपरीत है। बृहस्पति ग्रह जिनका राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपका अपना ग्रह है और वो ग्रह आपकी संतान के भाव से, आपकी प्रेम के भाव से, आपके पढ़ाई लिखाई के भाव से निकलकर बीमारी के भाव में, शत्रु के भाव में चला जाएगा, तो निश्चित रूप से बृहस्पति ग्रह का ये राशि परिवर्तन पूरे एक साल से अधिक समय के लिए आपको परेशान कर देगा, आपके शत्रुओं के माध्यम से, आपकी बीमारी के माध्यम से, और आपके ऐश्वर्य को छीनेगा, आपकी धन संपत्ति को छीनेगा और आपको विभिन्न प्रकार से परेशान करके रख देगा। और आपके जो शुभ ग्रहों के फल हैं, जहां मैं उम्मीद कर रहा था कि आपको कंपिटेटिव एग्जाम में सफलता, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट सूर्य की वजह से आपको मिलने वाला है, सूर्य के उच्च की होने की वजह से, तो वो फल भी वो छीनने की कोशिश करेगा, या जिन लोगों को संतान प्राप्त होने की संभावना थी उनकी संतान में विघ्न बाधा खड़ी कर देगा। जहां हमने बात करी थी कि आपको पुत्र संतान होने की संभावना बनी हुई है या शुक्र के प्रभाव फलस्वरूप पुत्री संतान होने की संभावना बनी हुई है, तो उस प्रभाव को भी खराब करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, समय से पहले इनके लिए उपाय कर लीजिए और अपने खराब ग्रहों को, जो आपकी जन्म कुंडली में पहले से अलग अलग ग्रह खराब हैं, ऊपर से बृहस्पति देवता का एक साल से अधिक समय के लिए खराब होना, कहीं ना कहीं तो परेशानी का वॉइस बनेगा ही बनेगा और आपको और अधिक परेशानी में डालेगा ही डालेगा। तो ऐसी स्थिति में आप बिना किसी झिझक के हमारे शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में शनिवार के दिन
सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और दोपहर में 4 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक जो जनता दरबार लगता है स्वामी राजऋषि जी के द्वारा या मेरे द्वारा यानी गुरु रजनीश ऋषि के द्वारा जो जनता दरबार लगता है, उस जनता दरबार में शनिवार के दिन आप आइए। शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली, और आकर मुझसे या स्वामी राजऋषि जी से मिलिए और अपनी परेशानियों के बारे में हमसे डिस्कशन करिए और जानिए वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जो साल में एक बार या 3 साल में एक बार करने से आपके जीवन में सभी प्रकार से खुशियां और शुभता आएगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी। और इन उपायों को करके आप सुख शांति और सौभाग्य की धीमे धीमे करके वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में तरक्की और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। मगर ध्यान रखिए, शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आने से पहले भगवान शनिदेव के प्रसाद के लिए 1.25 किलो मिठाई का प्रसाद अवश्य लेके आए, 5 अलग अलग तरह की मिठाइयां अवश्य लेके आए 250-250 ग्राम की संख्या में, ताकि भगवान शनिदेव को पंच मिठाई का भोग लगाकर आप भी धन्य हो सकें और भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर सकें। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राजऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राजऋषि के नाम से सेव कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपके आपके परिवार के आपके मित्रों के आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सकें। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वालों, ये जो बृहस्पति ग्रह आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं बृहस्पति देवता, और पंचम भाव में प्रवेश करना आपको संतान प्रदान करने की सूचना देते हैं। अगर आप प्रेम संबंधों में, तो आपके प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने में भी मदद करने की बात करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो लोग नौकरी में, वो प्रमोशन, इंक्रीजमेंट और ट्रांसफर की बात कर सकते हैं इस समय पर। तो ये समय जो बृहस्पति ग्रह का जो समय आया है 1.25 साल के लिए, वो समय में आपको जो शुभता प्रदान करने के लिए देव गुरु बृहस्पति यहां पधारे हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत चूकिएगा। ये समय आपके लिए विभिन्न प्रकार से खुशियां, आनंद और सुख शांति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला समय है। इस समय का विशेष फायदा उठाइए। और आप में से जो लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है, प्रेम संबंधों में परेशानी फील कर रहे हैं, या जिनको संतान होने में परेशानी हो रही थी, उनको अब ये शुभ फल प्रदान करेंगे। किंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जन्म कुंडली के अपने ही ग्रह ही खराब होंगे, अपने ही बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब होंगे, ऐसी स्थिति में उनको ये जो फल है वो पूरी तरीके से प्राप्ति नहीं हो पाते और वो परेशानी और अन्य प्रकार के झंझटों में उलझे ही रहते हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं सलाह दूंगा कि वो हमारे शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में शुक्रवार के दिन जो जनता दरबार लगता है सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, उस जनता दरबार में आप हमसे आकर मिलिए। शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली की बात कर रहा हूं, यहां आकर हमसे मिलिए और अपनी परेशानियों को, अपनी विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए आसान वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वो उपाय जानिए जो साल में एक बार करने होते हैं या 3 साल में एक बार करने होते हैं। और इन उपायों को करने से धीमे धीमे आप को निरंतर सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होने लग जाती है, आपके जीवन में विभिन्न प्रकार से खुशियां प्रवेश करने लगती हैं। तो फिर देर किस बात के लिए कर रहे हैं, अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप शुक्रवार का जनता दरबार का अपॉइंटमेंट बुक करिए।
किंतु ध्यान रहे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आने से पहले भगवान शनि देव के लिए 5 प्रकार की 250-250 ग्राम मिठाई यानी 1.25 किलो मिठाई का भोग अवश्य लेकर आइएगा। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राज ऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राज ऋषि के नाम से सेव कर लीजिए ताकि भविष्य में आपके आपके परिवार के आपके मित्रों के आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सके। जय शनिदेव। मेरा नाम श्रीनिवास, मैं गुजरात बड़ोदरा से हूँ। मेरी घटना घटी थी पर मैं काफी तरह से टूट चुका था। यूट्यूब के माध्यम से गुरु जी का फोन नंबर मिला था और उन्होंने मुझे एक लॉकेट दिया था। उसके बाद आज काफी हद तक मैं हेल्थ से और फाइनेंस से बहुत आगे थोड़ा निकला हूँ। मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रिय भक्तगणों, अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वालों, ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है जहां बृहस्पति ग्रह मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, ये जगह बनती है आपका अपना घर और यहां पर बृहस्पति देवता का आना निश्चित रूप से आपकी माताजी के लिए, आपके वाहन के लिए और आपके मकान के लिए, तीनों ही जगह के लिए शुभता प्रदान करता है। तीनों जगह के लिए आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। यहां तक कि आपके पिताश्री के को भी उनका आशीर्वाद, बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद बैठे बैठाए मिलेगा ही मिलेगा। तो जो लोग नया मकान या बड़ा मकान लेने का प्लान बना रहे थे वो उस समय पर संभव कर पाएंगे इस प्लान को। जो बड़ी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे उनको बड़ी गाड़ी लेने का प्लान संभव हो पाएगा। जो अपनी माता का को खुश करना चाहते हैं वो अपनी माता को प्रसन्न करने में सक्षम होंगे। ये अच्छा और खास बड़ा समय है। यहाँ माता के साथ पिता को भी प्रसन्न करना मत भूलिएगा। उनके श्री चरणों का आशीर्वाद आपके कार्यस्थल को दिन दूनी चार रात चौगुनी तरक्की प्रदान करता है, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं। तो इस समय विशेष पर आप काफी अच्छे फलों का अनुभव कर पाएंगे। किंतु जो व्यक्ति अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में खराब ग्रहों के कारण ये फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बुरे ग्रह जो हैं वो अच्छे ग्रहों के फलों को खा जाते हैं, रोक देते हैं या कम कर देते हैं और अपने बुरे फल आपको ज्यादा प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर स्वामी राज ऋषि जी से या स्वयं मुझसे वीडियो कॉल का एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या पर्सनली शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आने का एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और हमसे मिलकर अपनी जो विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, फेस टू फेस, 1-on-1। और उस डिस्कशन के बाद हमारे जो बताए गए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों को जो साल में एक बार या 3 साल में एक बार करना होता है, उन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर सभी प्रकार से खुशियां अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राज ऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राज ऋषि के नाम से सेव कर लीजिए ताकि भविष्य में आपके आपके परिवार के आपके मित्रों के आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सके। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, बात करूंगा मैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। पाइसेस जोड़ियाक साइन वाली व्यक्तियों की बात करूं तो ये जो बृहस्पति ग्रह का जो बृहस्पति ग्रह मीन राशि के मालिक भी हैं, वो बृहस्पति ग्रह अब
आपकी हिम्मत के खाने में जाकर विराजमान होंगे, आपके भाई बहनों के घर में जाकर विराजमान होंगे। तो बृहस्पति देवता का आपके भाई बहनों के घर में जाकर विराजमान होना और आपकी हिम्मत के घर में, जिनकी वजह से आपकी हिम्मत बढ़ती है, उस घर में जाकर विराजमान होना, तो आप अपनी हिम्मत के बल पर बहुत कुछ प्राप्त करने की संभावना बनाते हैं। इस बात का इंडिकेशन देता है, आपके भाई बहनों से आपको मदद मिलती है और आपसे आपके भाई बहनों को मदद मिलती है, नई ऊर्जा प्रदान होती है और अब वो लोग आपस में, आप लोग एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं, एक दूसरे की हिम्मत और ताकत को बढ़ाते हैं और उसके फलस्वरूप जो भी आप प्रयास करते हैं अपनी हिम्मत के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, वो आपको हर प्रकार से नाम, सम्मान, शोहरत और ऐश्वर्य प्रदान करने के काम आता है और जिंदगी में तरक्की और उन्नति प्रदान करता है। तो ये शुभता वाले क्षण हैं, ये खुशियों के क्षण हैं जो आपके जीवन में बृहस्पति देवता के माध्यम से प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस शुभ समय का भरपूर उपयोग करने का प्रयास करिएगा, कहीं ऐसा ना हो ये शुभ समय व्यर्थ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की बात करूंगा कि इतनी शुभता वाले फलों के होने के पश्चात भी वो अपनी खराब जन्म कुंडली के ग्रहों की वजह से, उनकी पर्सनल जो जन्म कुंडली होती है हर व्यक्ति की अलग ही होती है और उसमें जो खराब ग्रह बैठे हुए होते हैं उसकी वजह से शुभ फलों की प्राप्ति ही नहीं होती, या होती है तो बहुत मामूली सी होती है जिससे उनको ना होना ही बराबर हो जाता है। उल्टा बुरे ग्रहों के फल बढ़ जाते हैं और बुरे ग्रह जो है अच्छे फलों को भी खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, इस भीषण परिस्थिति में आप हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में शनिवार के दिन सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक जो जनता दरबार फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है, जिसमें स्वामी राजऋषि अपनी फीस छोड़कर और मैं अपनी फीस 6,000 रुपए छोड़कर, प्रति व्यक्ति की जो 6,000 रुपए फीस होती है वो छोड़कर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय बताता हूं, आपकी परेशानियों को दूर करने के रास्ते खोज कर निकालता हूं, वो आपको रास्ते आपके जीवन में सभी प्रकार से सुख, शांति, सौभाग्य, धन दौलत की वर्षा प्राप्त करने के बहुत काम आते हैं। तो आप आने वाले शनिवार का अपॉइंटमेंट जनता दरबार का, चाहे सुबह के जनता दरबार का, चाहे शाम के जनता दरबार का अपॉइंटमेंट, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी बुक कराएं और शनिवार के दिन समय पर यहां आए और हमसे मिलकर अपनी परेशानियों को बताकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जाने, वो छोटे उपाय जो या तो साल में एक बार करने होंगे या 3 साल में एक बार करने होंगे। तो इससे बड़ी फायदा आपको क्या हो सकता है कि आपकी परेशानियां धीमे धीमे करके दूर हो जाएंगी। फिर देर किस बात की है, आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर शनिवार के जनता दरबार की बुकिंग अभी बुक कराएं अपने लिए। और साथ ही ध्यान रहे, भगवान शनिदेव के प्रसाद के लिए 5 अलग अलग तरह की 250-250 ग्राम मिठाइयां, यानी 1.25 किलो मिठाई का भोग अवश्य लेकर आएं। भगवान शनिदेव को भोग लगाकर आप भगवान शनिदेव को दर्शन तो करेंगे ही करेंगे उनके दिव्य स्वरूप के, साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। हम तो आपकी मदद करने के लिए यहां पर उपलब्ध रहेंगे ही। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राजऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राजऋषि के नाम से सेव कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपके, आपके परिवार के, आपके मित्रों के, आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सकें। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मेष राशि वालों यानी एरी जोडियाक साइन वालों की बात करूं
तो जो बृहस्पति ग्रह अभी तक मेष राशि में विराजमान थे, अब मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके कुटुंब के घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे, आपके परिवारजनों के साथ जाकर बैठ जाएंगे। अब परिवारजनों के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से परिवारजनों को तो इसका फायदा होगा ही होगा, और परिवारजनों की वजह से आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, धन संपत्ति बढ़ेगी, सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी कुटुंब और मित्रजनों के माध्यम से। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय का सदुपयोग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। परिवारजन आपके जीवन में आपकी खुशियों में चार चांद लगा देंगे। तो बृहस्पति देवता का कुटुंब के घर में आगमन कुटुंबजनों से आपको मदद दिलवाने के लिए ही हुआ है, कुटुंबजनों का आशीर्वाद दिलवाने के लिए ही हुआ है। कुटुंबजन आपकी बढ़ चढ़कर मदद करेंगे, और आप भी निसंदेह, ताली दोनों ही हाथ से बजती है, तो आप भी उनका ख्याल रखेंगे। तो मैं यहां जब चर्चा करता हूं ऐसे लोगों के बारे में जो कहते हैं गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आप जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ, हम तो उल्टा बहुत परेशान है, तो भाई आप जो परेशान है वो आपकी पर्सनल जन्म कुंडली के जो अलग अलग खराब ग्रह बैठे हुए हैं आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, किसी को जेल भेज देते हैं, किसी को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा देते हैं, किसी की धन संपत्ति छीन लेते हैं, किसी को पुलिस से परेशानी खड़ी हो जाती है, जबकि पुलिस तो हमारी रक्षा करने के लिए मदद ही करती है, लेकिन वो ग्रह मदद ही नहीं करने देते, उल्टा हमसे ऐसी हरकत करा देते हैं कि मदद करने की जगह वो हमें, पुलिस वाले हमें दंडित करते हैं। क्यों ना करें भाई, आप अगर किसी के साथ बदतमीजी करेंगे तो क्यों नहीं आपको दंड मिलेगा, और वो भी अपने रक्षकों के साथ ही बदतमीजी करने लग जाते हैं आप लोग, पता नहीं कितना बड़ा दादा समझते हैं। तो ऐसी फल जो होते हैं वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनकी जन्म कुंडली ग्रह खराब होकर बैठे होते हैं, जो अच्छे ग्रहों के फलों को भी खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में हर शुक्रवार के दिन सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जो जनता दरबार लगता है मेरे द्वारा यानी गुरु रजनीश ऋषि के द्वारा, इस जनता दरबार में आप स्वयं बताए गए एड्रेस पर आइए, अपनी परेशानियों के बारे में हमसे चर्चा करिए, और आसान वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में एक ही बार करना है या 3 साल में एक बार करना है, उस उपाय को करके अपने जीवन में सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति कीजिए। ऐसा मौका बारंबार नहीं आता है, और किंतु ध्यान रहे शनि पीठ मंदिर आने से पहले भगवान शनि देव को भोग लगाने के लिए 250-250 ग्राम 5 अलग अलग तरह की मिठाइयों का प्रसाद यानी 1.25 किलो मिठाई का प्रसाद अवश्य लेकर आए, ताकि भगवान शनिदेव के दर्शन का सुख आपको मिले, भगवान शनिदेव प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। हम तो आपकी सेवा में हाजिर हैं ही, तो फिर देर किस बात की है। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राज ऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए, और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राज ऋषि के नाम से सेव कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपके, आपके परिवार के, आपके मित्रों के, आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सकें। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृषभ यानी टॉरस जोडियाक साइन वालों की बात करूं तो वृषभ राशि वालों, यहां पर बृहस्पति ग्रह जो बैठे हुए आपके सिर पर आके बैठे हैं, और आपके सिर पर अगर बृहस्पति देवता आके बैठ जाते हैं तो धर्म कर्म तो करा ही लेते हैं, सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान कर जाते हैं। और बात करते हैं ना, राजा जो रंक है यानी भिखारी है उसको भी राजा बना देते हैं अपने ऐश्वर्य से। शनिदेव जी के अलावा बृहस्पति देवता ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवता हैं। तो बृहस्पति देवता जब आएंगे तो धन धान्य सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य की वर्षा करेंगे ही करेंगे, और आपके तो सिर पर जाकर विराजमान हुए, तो आपको तो विशेष रूप से धर्म की ओर आपके झुकाव बढ़ेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत होगी। तो निश्चित रूप से एक तरफ धन सुख शांति सौभाग्य ऐश्वर्य, एक तरफ धर्म कर्म,
इन सब का समावेश जब आपके अंदर हो जाएगा तो आप देव स्वरूप तो वैसे ही बन जाएंगे। तो ये शुभ समय है आपके लिए, इस शुभ समय का उपयोग तो करिए। मगर आप में से बहुत सारे वो लोग जिनकी अपनी स्वयं की जन्म कुंडली के ग्रह बहुत ज्यादा खराब हैं, जो समय समय पर अच्छे ग्रहों के फल भी खा जाते हैं, अपने तो देते ही नहीं, अपने तो बुरे ही फल देते हैं, परेशानी वाले फल देते हैं, कभी किसी को जेल में भेज देते हैं, किसी को कोर्ट कचहरी में उलझा देते हैं, किसी के व्यापार का भट्टा बैठा देते हैं, किसी की नौकरी छीन लेते हैं, किसी को दुर्भाग्य ही प्रदान करते हैं, किसी को जीवन साथी से विच्छेद करा देते हैं, और किसी को जीवन साथी के लिए रुला देते हैं, उसकी शादी ही नहीं होने देते। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति देवता जब सिर पर बैठेंगे तो शादी होने के योग्य भी बनाते हैं, शुभता भी प्रदान करते हैं, कोई सिर पर आ गए भैया फेरे भी करा रहे, उन्हीं का तो काम है, हम सबके जो फेरे कराने का काम है वो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देवता के पास है, बृहस्पति देवता की मर्जी के बिना और शुक्र देवता के आशीर्वाद के बिना, क्योंकि शुक्र देवता ही वो है जो रिश्ते लेके आते हैं आपके लिए, तो इन दोनों की मर्जी के बिना शादी हो ही नहीं सकती है। तो ये सब शुभ ग्रह आकर बैठ गए आपके जीवन में शुभता देने के लिए, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मगर क्योंकि आपकी अगर जन्म कुंडली के खराब ग्रह हैं और वो आपको फल ही नहीं लेने देंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बिना किसी झिझक के आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर स्वामी राजऋषि जी से या मुझसे यानी गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए, फेस टू फेस, वन टू वन डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप अभी वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझसे मिलने के लिए या स्वामी राजऋषि जी से मिलने के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से, या पर्सनली शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर मिलने के लिए, और हमसे मिलकर आप आसान वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वो उपाय जो साल में एक बार करने हैं या 3 साल में एक बार करने हैं, उन उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में जो विभिन्न ग्रह हैं जो परेशानियां दे रहे हैं, आपके शुभ फलों को खा जाते हैं, आपकी तरक्की और उन्नति के रास्ते में बाधा बनकर खड़े हुए हैं, आपको जेल और कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर जाके छोड़ाते हैं, उन परेशानी से आप बाहर आ सकते हैं। छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय आपकी बहुत मदद करेंगे। फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी फोन मिलाइए, या फिर हमारा जो 24/7 व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें मैसेज करिए, या अपनी आप ही इस नंबर पर आप अपनी वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है 6364650078। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राजऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए, और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राज ऋषि के नाम से सेव कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपके, आपके परिवार के, आपके मित्रों के, आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सकें। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी जेमिनी जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों की अगर हम बात करूंगा तो ये बृहस्पति ग्रह जो आपके लिए निश्चित रूप से 12th हाउस में जाकर बैठ जाएंगे, खर्चे वाले घर में जाकर बैठ जाएंगे, तो धर्म कर्म पर तो खर्चा कराएंगे कराएंगे, लेकिन और चीजों पर भी खर्चा कराएंगे, खर्चा ज्यादा होगा तो परेशानी बढ़ सकती है। आपको जो अच्छी चीजें, जो ऐश्वर्य मिलने वाला था वो ऐश्वर्य रुक जाएगा, जो धन संपत्ति बृहस्पति देवता आपके लिए लेके आए थे वो आपको नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जाकर वो जिस स्थान पर बैठे हैं वहां पर आपको ये सारी चीजें प्रदान कर पाने में वो असमर्थ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं मिथुन राशि वालों से कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल मत घबराइए। हमारे शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में जो जनता दरबार लगाया जाता है हर शनिवार के दिन सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक, उस जनता दरबार में आप स्वयं चल के आइए, हमसे या स्वामी राजऋषि जी से मिलिए, अपनी परेशानियों की चर्चा करिए और आसान वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों से अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करिए। आपके जीवन में खुशियां आए, आपकी उन्नति करें, तरक्की करें, आपका प्रमोशन हो, इंक्रीजमेंट हो, आपके धन धान्य के भंडार सदैव भरे रहें, ऐसी हम भगवान से आपके लिए मदद की गुहार लगाएंगे। मगर ध्यान रहे, शनि पीठ मंदिर
16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आने से पहले भगवान शनिदेव को भोग लगाने के लिए 250-250 ग्राम की तादाद में 5 अलग अलग तरह का मिठाई का प्रसाद अवश्य लेकर आए। भगवान को शनिदेव को भोग लगाएंगे तो इस शनिपीठ के जो पीठाधीश हैं भगवान शनिदेव तो प्रसन्न होंगे ही होंगे और आपको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन भी कराएंगे और आपको आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद कोई काट नहीं सकता है। तो फिर देर किस बात की है? स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राज ऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राज ऋषि के नाम से सेव कर लीजिए ताकि भविष्य में आपके आपके परिवार के आपके मित्रों के आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सकें। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वालों यानी कैंसर जोड़ियक साइन वालों की जब हम बात करते हैं तो कर्क राशि वालों ये जो स्थिति बन रही है जहां बृहस्पति देवता प्रवेश कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में आपके खराब घर को छोड़कर, तो ये स्थिति बनेगी आपके धन धान्य के भंडारों में, आपकी तिजोरी के अंदर जाकर विराजमान होंगे और तिजोरी में बृहस्पति देवता का आना जानते हैं ना आपके धन धान्य के भंडारों में अभूतपूर्व वृद्धि करा देंगे। लॉटरी का टिकट एक तरीके से कहेंगे तो लग जाएगा, लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लॉटरी का टिकट लगने की बात कर रहा हूं कि एक तरीके से आपका लॉटरी का टिकट लग जाएगा यानी आपके धन धान्य के भंडारों में लक्ष्मी जी साक्षात आकर बैठ जाएंगी और उसमें निरंतर वृद्धि प्रदान करेंगी। ये बड़ा शुभ समय रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये साल, जब तक बृहस्पति देवता शुभ होकर यहां बैठे रहेंगे, बकरी की बात नहीं कर रहा हूं, अस्त की बात नहीं कर रहा हूं बृहस्पति के, तो जब तक शुभ होकर यहां स्थान पर बैठे रहेंगे तो आपके धन धान के भंडारों में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। तो कर्क राशि वालों ये बहुत ही शुभ समय है आपके लिए, तो धन धान के भंडारों को इकट्ठा कर लीजिए, बैंक बैलेंस बढ़ा लीजिए ताकि जरूरत के समय पर वो आपके काम आ सके। मगर उन लोगों की बात करूं जिनकी जन्म कुंडली के ग्रह बहुत खराब है, जिनको अपने खराब ग्रहों की वजह से कोई फल ही प्राप्त नहीं हो रहा है, उल्टा उनकी दुर्दशा हो रही है, उनका बुरा समय पर बुरा समय आए चले जा रहा है, ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमारे यहां जो शुक्रवार को फ्री ऑफ कॉस्ट जनता दरबार लगता है जहां हम बिना किसी फीस लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो साल में एक बार या तीन साल में एक बार करने होते हैं, आपकी जन्म कुंडली के खराब ग्रहों को देखते हुए या आपके चेहरे के खराब ग्रहों को पढ़कर या आपकी प्रश्न कुंडली के खराब ग्रहों को पढ़कर जब ये उपाय बताए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये उपाय आपके ऊपर काम करते हैं। अगर आप श्रद्धा भाव से इन उपायों को अपनाएंगे तो ये उपाय आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो फिर देर किस बात की है? हम तो आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। अब आपको यहां आने का शुक्रवार के दिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में यहां आने के लिए कष्ट करना पड़ेगा। परेशान आप हैं मगर कष्ट हम तो कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग भगवान शनिदेव के दर्शन करने आएंगे, भगवान शनिदेव को 250-250 ग्राम यानी 1.25 किलो का 5 अलग 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 तरह का प्रसाद, 250-250 ग्राम की संख्या में 5 अलग अलग तरह का मिठाई का प्रसाद लेके आएंगे तो भगवान शनिदेव को भोग लगाने के बाद भगवान शनिदेव का आशीर्वाद भी पाएंगे, हम तो मदद करेंगे ही करेंगे। तो फिर देर किस बात की है? स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप मुझसे या स्वामी राज ऋषि से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर या गुरु रजनीश ऋषि के नाम से या स्वामी राज ऋषि के नाम से सेव कर लीजिए ताकि भविष्य में आपके आपके परिवार के आपके मित्रों के आपके अड़ोसी पड़ोसियों के काम आ सकें। जय शनिदेव।